नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की लर्निंग में उन पॉइंटों को समझेंगे जो मार्केट में बड़ी हलचल मचाती रहे। इस कंपनी में एक डेटा निकल के आई जो कंपनी अपने निवेशकों को, जो खासकर शेयर होल्डर हैं होंगे एट द कट ऑफ डेट पे, उनको कंपनी बोनस देने वाली है। एक के बदले शायद 3 बोनस देने वाली, ऐसा कुछ डेटा निकल के आ रही थी। तो हम वेरीफाई करेंगे और बड़ी लंबी चौड़ी इसमें चल रही थी और सोचा हमने भी सर स्टडी करते हैं भाई कंपनी को लेकर के क्या क्या करती है कंपनी। तो देखने के आए कि बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इनका कामकाज स्टील से रिलेटेड कामकाज होगा ऐसा ही देखने को मिलता है। कहते हैं बजाज प्लांट एंड द MIDCs निंगराज नागपुर में इनके प्लांट्स वगैरह हैं। और कंपनी के बारे में कुछ और देखा जाए तो कहते हैं इनके सोल्यूशंस में फुल्ली ऑटोमेटिक्स ग्रेनिंग्स प्लांट्स हैं इनके पास। इसके अलावा कहते हैं स्टील्स बिल्डिंग्स का कामकाज है। इसके अलावा कहते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल भी कंपनी बनाती है जो कि स्टील्स आयरन्स के अंदर निकल के आती है। और हम समझने की प्रयास करेंगे तो इसका कारोबार तो समझ में आया कि भाई स्टील्स से रिलेटेड कंपनी का कामकाज है, इसके पास स्टील को लेकर के चलती है। जहाँ प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो ढेर सारा प्रोडक्ट है, जहाँ बजाज को लेकर के, स्पेशलिटी को लेकर के, प्रोजेक्ट को लेकर के, ये का और कंपनी का और भी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो हम चर्चा करने के पीछे कुछ कारण है क्योंकि तो मार्केट में चल रही थी जो अच्छा कंपनी, तो पिछले 5 सालों में करीब करीब 3000%, मतलब सोचिए। और सोचने वाली बात है जो पिछले 5 सालों के डेटा बेसिस को लेते हुए मानते हुए जो तो डेटा यहाँ पे कहती है, और इसमें एज अ टाइम फ्रेम की बात होती है, और कल की जैसे आज बुल मार्केट है कल बेयर मार्केट से कंपेयर करें लगे अच्छा गिरा हुआ है, लेकिन फिलहाल ये 3000% के आसपास मानता हूँ यदि जंप किया है तो कितनी लाजवाब हुई है सोचने वाली बात है। छोटा सा स्टॉक जो जल के करीब 3300 रुपये का हो गया, इसका नाम है बजाज स्टील। अब इसके फंडामेंटल से टेक्निकल कुछ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे तो आखिर क्या क्या है इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में कामकाज कर रही है और लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होती नजर आती है, और मार्केट में जब वॉल्यूम शूटअप हुआ इसका मतलब कुछ और संकेत देता है क्या देना चाहता। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी कहती है, जो कंपनी का स्टॉक प्राइस तो हमने रिसेंटली देखा है 3300 के आसपास, बुक वैल्यू कहता है 639 का, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात भी करती है और वो काफी अच्छा है कंपेरिजन विद द बुक वैल्यू से, करीब करीब कह सकते हैं कि 3.5 गुना तो है, क्या 4 गुना ना 3.5 गुना तो मानते हैं। अब समझ में आना चाहिए कि मार्केट में जो भीड़ का आंकड़ा कहता है इसको लेकर के, मार्केट में डिमांड को लेकर के, किसकी डिमांड को लेकर के, कंपनी की डिमांड की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी की शेयर में खरीदार की डिमांड को लेकर कहता हूँ। तो बाकी कंपनियों में कहती है जो कि सेम सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें 46x का भीड़ है, और यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा कहता है फिलहाल 26 है, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कह सकते हैं तो नियरली ना 100%, 80% तो चलेगा यहाँ से। और यदि ये इसके अंदर से हिसाब से क्या अंदर वैल्यूड है, यदि यहाँ से 80% और छाल करती है तो शायद मार्केट कहाँ पे जाके खड़ी होगी, करीब करीब कह सकता हूँ जो मार्केट आने वाले समय में 6000 को टच कर। लेकिन तो ये प्राइस, आज की प्राइस की बात, कल जब बोनस दे देगा कल की जो भी डेट उन्होंने फिक्स किया है उसके बाद क्या होता है, एडजस्टेड प्राइस होता है, एडजस्टेड प्राइस की बात होती है। इसलिए इस पे मत देखना जो इसका प्राइस ये था इसका, तो एडजस्टेड प्राइस बाद में कुछ और हो जाए उसमें। अब सवाल आता है क्या 6000 के आसपास चलने लायक कंपनी है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि 2000 से नीचे आ जाएगा, 1000 से नीचे आ जाएगा, जो 1000 के आसपास किसकी प्राइस हुआ कर। जहां पे अर्निंग की बात करें तो आरओसी भी 23%, आरओई भी करीब 19% का आंकड़ा, डेट्स ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी के लिस्ट में आती है, और करंट रेशियो का आंकड़ा कहती है 5 का, प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से कम का आंकड़ा कहती है। और अच्छी बात ये थी कि कंपनी में मार्केट कैप अच्छी खासी है, इसको 1700 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा दिलाती है, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का 5 रुपये के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शायद 163 रुपये की अर्निंग करती है जो कि लाजवाब है।
इन दोनों का आप कंपेयर करके देखेंगे तो नॉमिनल नोट जो हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ है 5 रुपये का, वो अर्निंग करके देता है 163 रुपये का, जिसकी वजह से मार्केट की ये क्या है और अंदर वैल्यूड की परफॉर्मेंस वो चल रखता है। यदि एवरेज के आसपास भी जाते तो 6000 के आसपास जाते, नियर अबाउट की बात करूँ। अब समझने के प्रयास करेंगे इस कंपनी को लेकर के और एक्सपेक्टेशंस क्या है और क्या कहना चाहते हैं। देखिए फंडामेंटल की उन परिस्थितियों में देखा जाए तो जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे कंपनी दर्शाती है कि हमारे पास टाइम टू टाइम हमने इंक्रीज किया है वाई ओ वाई की बेसिस पे, लेकिन क्यू और क्यू के बेसिस पे जैसे ही हम चेक करेंगे तो कहते हैं यहाँ पे यहाँ से इनका सेल्स में क्या हुआ डिक्लाइन करती है, और जिसकी वजह से ये तो दिखाती है जो हमने क्या इविटा गेन किया। ऐसे ईयरली ऑन ईयर के बेसिस पे डेटा कहती है कि लगातार कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती जाती है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करके देखेंगे क्या कहता है नियर अबाउट थोड़ा सा गिरावट का संकेत देता है, नियर अबाउट के आसपास कहता है, कहता है न्यूट्रल ही रहा, तो जितना पिछले साल था उतना ही रहा है, जबकि बीटा में 13% तक के आसपास गिरावट दर्ज। चलिए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिजनेस कारोबार ऐसे चलती रहते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में कई बार कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कई बार कुछ नए खरीदारी का मौका मिलता है। अब एक चीज़ को समझने के प्रयास करेंगे जहाँ पे देखा गया कि इनकी ट्रेंडिंग व्यू में लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती, कुछ साइड को छोड़ प्रॉफिट को लेकर के लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है, जहाँ पे करीब 23 करोड़ तक का उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, लास्ट देखा जाए तो करीब 35 करोड़ तक का टॉप ऑफ द क्वार्टर इन्होंने बुक करके रखा। ईयर बेसिस पे देखा जाए तो ईयर बेसिस पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो करीब 600 करोड़ तक लायक बन चुकी है, और ये भी करीब करीब 60 करोड़ 10% की ओवरऑल नेट प्रॉफिट मार्जिन तो बन ही जाती है। नियर अबाउट की बात कर रहा हूँ, वैसे नियर अबाउट 9% के आसपास होगी। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी 15 करोड़ का आंकड़ा कहता है 60 करोड़ में, और अदर्स इंटरेस्ट की बर्डन भी बताती है जिसके लिए हमें करना पड़ेगा R2R। आखिर R2R है क्या, इसके लिए जब हम यहाँ पे देखते हैं डेटा को, एक समरी डेटा को, इस समरी डेटा में 3 तरह के डेटा को मिक्सअप करा दिया जाता है, एक तो मार्केट के डेटा और एक बिजनेस के कारोबार से रिलेटेड डेटा, में भी एक दिखावा और एक उसकी हकीकत, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है R2R, जिसका नाम है रिस्क टू रिकंसलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे, जो कंपनी अपने निवेशकों को क्या देती है और मार्केट आपको क्या देती है। यहाँ पे बैलेंस शीट की फिगरों की तरफ चले हैं तो शायद ये निकल के आती है कि इनकी लाइबिलिटीज में बोरोइंग्स इन्होंने इंक्रीज किया है, इंक्रीज करती हुई नजर आती है, और कुछ रिस्क भी बनता है कंपनी को लेकर, तो कहते हैं नहीं नहीं रिस्क बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि टाइम फ्रेम काफ़ी छोटा सा है, 1 महीने का टाइम फ्रेम है, और ये कहता है करीब करीब इनके पास 50 करोड़ का आंकड़ा के अकॉर्ड कहा जाए तो 50 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने पैसे बुक करके रखा है, मतलब यहाँ पे 9 करोड़ इनके हाथ में तो पैसा आ गया, 50 करोड़ अभी भी रिस्क बना हुआ है जो इनको रिलाइज होना है अगले 30 दिन के बाद, ये इन्होंने रिलीज वैसे हो गया होगा, रिलाइज हो गया। अब चर्चा के विषय है जो क्या निवेशक इस कंपनी में कितने तादाद में, और साथ में यदि हम केवल केवल चार्ट ग्राफ के बेसिस पे देखते हैं तो इनका फंड बैलेंस शीट फिगर कहता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगातार ऊंचाइयों को टच करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, और जब ऊंचाइयों को टच करने में कसर नहीं छोड़ा तो यहाँ पे एक वीकनेस की बात करती क्यों करती है, क्योंकि जितना एसेट्स इन्होंने इंक्रीज किया उससे ज़्यादा इनकी लायबिलिटी में बर्डन पड़ती हुई नजर आ रही है, इसका कुछ हकीकत डेटा की बात कर रहा है, जबकि शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है कंपनी में जो 48% के आसपास प्रमोटर खुद हैं, कोई भी FI कोई भी DI नहीं है, केवल और केवल पब्लिक की बात करें तो 51% की होल्डिंग से ज्यादा का होल्डिंग कहता है, जिसमें कंपनी के खुद की कंपनी होगी शायद, अब देखा जाए तो बजाज की खुद की बजाज एक्सपोर्ट होगी, इसके अलावा देखा जाए तो इसमें एक तो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड है उसकी कोई चर्चा ना करें छोड़ते हैं, बजाज ग्लोबल लिमिटेड है, मतलब एक तरह से कहते हैं कि हमारे पास हम प्रमोटर नहीं हैं, एक तरह से कहते हैं हम अपनी इस कंपनी में अपनी बना के रखें, अब ये कंपनी उनकी है या किसी और की है ये बड़ा महत्व रखता है, इसके लिए कई बार
और ये सारे डेटा को चेक करना जरूरी हो जाता है कि इस कंपनी में देखा है तो इस कंपनी में बजाज ग्लोबल, बजाज स्टील्स, काशी इंडिया ऐसे कंपनी शामिल है इसके। अब उसी बजाज की बात कर रहे थे जिस बजाज की हम, वो बजाज नहीं जो कि हम लोग बजाज अलग समझते हैं, ये बजाज अलग अलग ग्रुप्स की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टील मैनुफैक्चरिंग में कामकाज कर रही है। ऑलमोस्ट क्या है जो आम पब्लिक के पास होल्डिंग है वो देखने को मिलती है, इसमें से 10-12% घटा दिया जाए तो शायद ये कह सकते हैं 40% के आसपास की होल्डिंग है। जिस 39% की होल्डिंग में 12-13 हज़ार निवेशक इसमें बने हुए, जहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड में कंपनी क्या देती है। जब हम इसको चर्चा कर रहे थे तो हमारे सामने ये निकल के आई तो कंपनी अपने निवेशकों को क्या देने वाली है, बड़ी सी बोनस देने वाली है जो जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। और वो अनाउंसमेंट के बाद एक तो कंपनी डिविडेंट देती है, कंपनी साल दर साल में हर साल 2-3 रुपये 4 रुपये का डिविडेंट भी देती है, 3 रुपये का डिविडेंट भी दिया। अनाउंसमेंट में कंपनी ने कहा हम बोनस भी देने वाले हैं, एक की दिया। ये कुछ सेंटिमेंट की बात किया जिसके वजह से मार्केट में और ऊंचाइयों पे पहुंचने में उनको आसानी मिला। और एक्स्ट्रा एजियम की बात भी कर, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा एजियम की बात भी कंपनी ने कहा 28 अक्टूबर को करने वाली है, ये भी चीज़ है। बोनस डेट को लेकर क्या कहती है उसके बारे में हम ध्यान रख लेते हैं। और वो ध्यान रखने वाली बात ये है जो कंपनी कहती है जब हम एक के बदले 3 देने वाले हैं, कहते हैं 3 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर देंगे जो कि एवरी 1 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देने वाली है। और इसके अलावा कहते हैं सब्जेक्ट टू द फर्दर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ने अभी तक फेंक दिया, क्या फेंकने का मतलब है, कंपनी ने आपको कह तो दिया लेकिन ये अप्रूवल कब मिलेगा इनको, एजीएम में मिलेगा। ये कहेगा अप्रूव्ड ऑफ द शेयर होल्डर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। अब सब्जेक्ट की बात किया तो सब्जेक्ट की बात को लेकर के इन्होंने एक्स्ट्रा एजीएम बताई है रखने की बात किया है। और इसमें ये कहा है कहते हैं जो इन्होंने ऑडियो वीडियो के थ्रू इन्होंने रखा है जिसमें एजीएम की बात हुई, इसमें मंडे को रखेंगे और 28 अक्टूबर को सर इसके लिए डिसीजन करेगा जो ये कब करेगी। ये कुछ अपडेट निकल गया जिसपे इन्होंने कहा कि हमारे पास ये कुछ डेटा है और इसमें क्या करने वाली है कंपनी। कहती है बजाज एडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टर की बात करते हैं और इसमें कहती है जीजीएम की बात को लेकर कहती है इंश्योरेंस ऑफ द बोनस शेयर को लेकर कहती है और कहती है जो सच हेल्ड ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एज ऑन रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट की बात किया है क्योंकि बोनस ऑफ द रेशियोज ऑफ द 1:3 देगा और द फेस वैल्यू ऑफ द 5 का और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर वैल्यू ऑफ द स्कॉट। इन्होंने कहा कि सर्कुलेशन जो कि टर्म 13 जुलाई को उन्होंने जो सर्कुलेशन उन्होंने पैसा भेजा है। ये कुछ आंकड़ा इसके लिए निकल के आए जहाँ पे क्या करने वाली है, पोस्ट बोनस से पेड अप शेयर को क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं। और इंक्रीज करने के बाद क्या होगा कि ये कुछ आंकड़ा निकल के आते हैं। अब समझने वाली बात है कंपनी को लेकर के जो मार्केट में इस पार्ट को अलावा इसको कौन कौन सा चीज़ इम्पैक्ट करता और इफेक्ट करता। यहाँ पे देखा गया कंपनी में सेल्स से लेकर के मार्केट के स्टॉक प्राइस CGR तक लेकर के ऊंचाइयों को टच करने में कुछ तो सपोर्ट देती है कुछ सपोर्ट नहीं देती है। और ये भागती है इसके पीछे की वजह क्या है, जबकि ये इनको सपोर्ट देती है और ये इनको सपोर्ट नहीं देती है। प्रॉफिट सपोर्ट बिल्कुल नहीं देती क्योंकि प्रॉफिट में क्या है एक बर्डन से बनी हुई है इसको लेकर के कुछ और फैक्ट को लेकर के कहती नहीं नहीं उतना इंटरेस्ट का पार्ट ही है ही नहीं तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी उतना क्यों नहीं आता। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो गिरावट में है कंपेयरिंग टू द प्रीवियस टू प्रीवियस लास्ट 2-3 साल का डेटा के बाद, जबकि पीयर्स में थर्मेक्स ज्योतिष सीएनसी और जुपिटर विग्नर्स जैसी कंपनी शामिल है उसी की लिस्ट में रखा गया जिसको कहते हैं कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल टर्म्स के अंदर। और यहाँ सेगमेंट वाइज भी कुछ कहती होगी, सेगमेंट वाइज क्या कहती है उस पर अभी हम एक नज़र फोकस करते हैं तो हमें कुछ कंक्लूजन मिलेगा जाकर किस सेक्टर से इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है। कोई अपडेट फिलहाल नहीं दिया है, इससे पहले तक कंपनी ने अपडेट किया था इनके पास जो मेन सेगमेंट है कामकाज का वो स्टील एंड रिलेटेड प्रोडक्ट को लेकर के, इसमें कहती है इससे इनके पास रिवेन्यू जनरेट होता है, मेन स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा की बात देखा है तो एनालिसिस के पार्ट इसके बारे में कहती है लगातार एक ग्रोइंग रिकॉर्ड अच्छे डिविडेंड की बात कर रिटर्न की बात करती है और कंपनीज पुअर सेल्स ग्रोथ की बात कहा है और इनकम अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इन्होंने कहा कि हमारे पास कहती। और यहाँ पे आकर के गोल्डन रूल को भी समझना जरूरी है,
मार्केट में आखिर, नहीं तो नहीं तुम्हारे मार्केट में खरीदारी बिकवाली कैसे, तो मार्केट में देखने को मिला अच्छी ऊंचाइयों पर चलने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ही है जो एक को निकलना है, एक को एंटर करना है, और इसमें गोल्डन रूल क्या है, खुद के रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग जब भी एंटर कर रहे हैं उसमें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है, और एक्सपेक्टेशन यदि मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो एसएल का यूज किया जाता है, और यदि अच्छी लगता है तो दोबारा ऐसे पोजिशन लेकर के आगे बढ़ा जाता है, जो कि मार्केट में होता है। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया, कंक्लूजन की तरफ देखा तो मार्केट के फंडामेंटल इनके लगातार बैकअप सपोर्ट देते हैं, बस कंपेयर टू द कुछ पार्ट को छोड़ करके जैसे प्रॉफिटेबिलिटी वजह से उस हिसाब से नहीं चलती है, हिसाब से ग्रोथ लेवल नहीं दर्शाती है, बाकी सेल्स का ग्रोथ लेवल ठीक ठाक देखने को मिलता है, बाकी सारे एस्पेक्ट में ठीक ठाक देखने को मिलता है, इसके पीयर्स में कहती है कि पीयर्स में हॉर्नल्ड्स जैसे सम कंपनी है, सेंटम्स जैसे कंपनी, पटेल जैसे कंपनी शामिल है, और दोनों के डिफरेंसेस। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे तरफ से कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की हेल्प नहीं होती है, ओनली एज ए लर्निंग पार्ट, और इसमें यदि वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के लिए, एंजॉय एंड थैंक यू सो मच।